Students, now we are going to conclude our discussion regarding the non-salary budget. And this is going to be the last topic as far as the discussion regarding non-salary budget is concerned. So let's have a look on the roles and responsibilities of government institutions in the planning and implementation of non-salary budget. A quick discussion on a few points. I'll provide you complete details, a detailed document in which you would be able to read the detailed roles and responsibilities of the government institutions as far as the planning and implementation of non-salary budget is concerned. But let's have, you know, a basic overview of the different institutions, government institutions, including schools, you know, jinki hum baat kar rahe hain, jinke liye ye non-salary budget design ya allocate kiya jata hai. Isme jo pehla ek naam hai, Punjab ke hawale se humne pehle bhi baat ki, PMIU, Program Monitoring Implementation Unit of Punjab Education Sector Reforms Program, PESRP. एक तो वो, और ये क्या है, ये हमने अपने लास्ट टॉपिक में इसका रोल बड़े क्लियरली देखा कि इसने उस एक एनएसबी फॉर्मूला के तहत स्कूल एंटाइटलमेंट कैलकुलेट करनी होती है और फिर जो है आगे ईडीओज को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है. और फिर उसके बाद ईडीओज का रोल है, उसमें ईडीओ एजुकेशन भी आते हैं, ईडीओ एफएनपी भी आते हैं. उन्होंने किस तरह आगे यू नो स्कूल्स तक पास ऑन करनी होती है इन्फॉर्मेशन, किस तरह उस एंटाइटलमेंट को आगे पहुंचाना होता है, उनका एक रोल. ये मैं बिल्कुल बेसिक रोल की बात कर रहा हूँ. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैं इनके डिटेल्ड जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपसे शेयर करूँगा लेसन कॉन्टेंट्स में, ताकि आप एक कम्प्लीट उनका ओवरव्यू देख सकें, डिटेल्ड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख सकें कि PMIU क्या कर रहा है, उसमें फिर EDOs का आगे क्या रोल है, देन आगे यू नो डिप्टी DEOs, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स, उनका क्या रोल है, वो आगे किस तरह फिर अपना रोल प्ले कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिगार्डिंग नॉन सैलरी बजट. एंड हम ये जो बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली विद इन द फ्रेम ऑफ पंजाब, पब्लिक स्कूल्स इन पंजाब, डिफरेंट इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब. देन उन स्कूल्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्होंने अपना एक स्कूल बेस्ड एक्शन प्लान तैयार करना होता है, अपनी वो रिक्वायरमेंट्स की डिटेल तैयार करनी होती है, अपने जो है डिफरेंट जो उनके लेवल्स हैं प्राइमरी स्कूल्स की, एक अपनी यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने किस तरह अपना रिक्वायरमेंट्स को देखना है. जो हायर सेकेंडरी हैं उन्होंने जो अपनी डिमांड्स पुट ऑन करनी है, पुट अप करनी है बिफोर द अथॉरिटीज, वो एक उस हवाले से उनका अपना एक रोल है. और फिर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस, जिसने डिसबर्स करना है एंटाइटलमेंट उन फंड्स को, जिसने सेंक्शन करवाने हैं फंड्स, तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है एज फार एज the you know planning and implementation of non-salary budget is concerned. Again, I would mention that I will provide you in the lesson contents the detailed responsibilities and roles of all these you know institutions we have been talking about. And then Auditor General of Pakistan, aur ye ek badi hi clear baat hai ki auditing is one of the most important कंपोनेंट जब भी आप कहीं कोई फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे होंगे, कि उनका एक इंडिपेंडेंट ऑडिट, और ऑडिट से मुराद एक दफा पहले भी हम ये बात कर चुके हैं कि जो फंड्स मिले और जिस तरह उनको यूटिलाइज किया गया वो किस हद तक फेयर है और वो वाकई ही उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, उसमें कोई एम्बेजलमेंट इन्वॉल्व नहीं. तो ऑडिट जो है वो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस सिस्टम.
in allocation of non-salary budget and then the utilization of that non-salary budget. इस सारी चीज का एक जो है वो proper utilization of non-salary budget का audit conduct. So auditor general of Pakistan का भी इसमें एक role आपको नजर आ गया. तो students यहां हम conclude करते हैं अपनी discussion को regarding what? Regarding non-salary budget. Non-salary budget में हमने उसका introduction देखा, non-salary budget है क्या, फिर उसका purpose हमने discuss किया और फिर हमने उसकी significance देखी, उसकी importance देखी. Why do schools need non-salary budget और why do authorities provide non-salary budget to schools? इसको आप किसी, you can take it in either way. और फिर हमने पंजाब के हवाले से स्पेसिफिकली देखा कि कैसे एक यूनिट PMIU अपना रोल प्ले कर रहा है और फिर क्या कौन सा वो फॉर्मूला है जो उन्होंने डिवाइस कर रखा है फॉर कैलकुलेटिंग द स्कूल एंटाइटलमेंट. उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को भी हमने देखा. और एट द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द रोल्स एंड responsibilities of government institutions in the planning and implementation of non-salary budget.